गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो दिस इज द अनदर सेशन विद टॉपर गेट 2024। इस सेशन में हम लोग अगेन पूरी इनकी कंप्लीट प्रिपरेशन जर्नी की बात कर रहे होंगे। इन्होंने जो ये रैंक अचीव करी है इस पे हम लोग बात करने वाले होंगे, किन किन चीजों को इन्होंने कंसिडर किया ड्यूरेशन ऑफ द प्रिपरेशन जर्नी, किन किन चीजों को इन्होंने बैलेंस करके चले, किस तरीके से इन्होंने चीजों को टाइम मैनेज किया, किस तरीके से इन्होंने क्लास के साथ कॉलेज और अपने वर्क को भी इन्होंने मैनेज किया, वो सारी चीजें आप लोग इस पर्टिकुलर सेशन से लर्न कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे साथ गेट 2024 के टॉपर हैं गंगाधर। गंगाधर, ओवर टू यू, थोड़ा सा अपने बारे में बच्चों को बताइए, फिर हम लोग इस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ गंगाधर, आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश फ्रॉम विशाखपट्टनम। आई केम फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली, माय फादर इज ए फार्मर एंड हिज नेम इज पोनगंट वीरराजु एंड माय मदर वाज पास्ड अवे ए फ्यू इयर्स अगो एंड आई हैव वन ब्रदर। मैंने गेट 2023 में गेट दिया था, बट उस टाइम में मैंने जस्ट क्वालिफाई भी था, so I have decided to give one more chance to get to the gate. So then I started my preparation for the 2024 under the guidance of Ankur sir and you. मैंने target किया था 70 or 60 plus 65 plus marks, but I almost reached it. This is my journey. ये मेरा introduction है। यस, वेरी नाइस। सो गंगाधर, जैसा कि ये आपको बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, ठीक है, आपसे मोटिवेशन लेंगे बहुत सारे जो भी सेशन में बच्चे देखेंगे, तो ये भी बच्चे कहीं ना कहीं गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आपने इतना अच्छा स्कोर किया, इतनी अच्छी आप रैंक लेकर आए हैं, तो इन बच्चों को भी आपकी रैंक और आपने किस तरीके से प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, क्या क्या आपके सोर्सेस थे, आपके जो सीनियर्स थे उनकी क्या, किस तरीके से उनका आपने हेल्प लिया, आपके जो टीचर्स थे उनका कैसे आपने हेल्प किया, और आपने अपने कॉलेज और ठीक है प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया, किस टाइम पर आप क्लासेस इन जनरल करते थे, वो सारी चीजें बच्चों को बताइए। आपने जैसे बताया कि गेट 2023 में आपका जस्ट क्वालिफाई था, फिर उसके बाद आपने अगेन 2024 का अटेम्प्ट दिया जहाँ पे आप इतना अच्छा स्कोर कर रहे हो, आपने कब से प्रिपरेशन ये स्टार्ट करी थी और कितना टाइम आपको लगा इस कम्प्लीट प्रिपरेशन को, सिलेबस को कम्प्लीट करने में? Yeah, I have started from zero knowledge. Literally said when I qualified in the gate 2023, I have just qualified because of my mathematical skills and aptitudinal skills. I have zero knowledge about the core knowledge. But later on I realized that so many are getting good ranks in my class and I got inspired from there. So I didn't got placed in my college, so I had no options to choose any other option. So then I want to start my preparation year right after the result of the GATE 2023. I have just some confidence of yes, I can also crack the GATE exam. So why? Because even though zero knowledge, I have qualified in the GATE examination 2023. Why can I crack the gate examination in 2024? So then I targeted that 2024 year, so I started my preparation from the right after the result of the gate 2024. Very good. So when you joined plus an academy, kab aapne plus join kiya tha aur kis time par aap in general classes karte the, kis tarike se aap time manage karte the? I was dropped out student, so I have no issues with the classes. So I have complete day. Daily I have like to watch 3 to 4 lectures, and right after the lectures, night time and morning time revision and written practice of the notes that I have listened from the classes. That is the formula, right? Revision, practice, revision. यही मैंने follow किया था. That gives me some good results. Very good. Okay. So इस तरीके से आप चीजें करते थे. आपने सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लिया था? जो हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं आपको, तो वो लोग जानना चाहेंगे क्योंकि अभी करंट टाइम पे ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो सिलेबस आइडियली आपने कब तक कंप्लीट कर लिया था? या लिटरली बोलेंगे तो मैंने कंप्लीट सिलेबस नहीं किया था. मैं
थ्री सब्जेक्ट चॉइस किया था, प्रोसेस कैलकुलेशन वन सब्जेक्ट एंड फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड सम्स पंप्स और प्रेशर मेजरमेंट्स प्रिपेयर किया था, बट कंप्लीट 100% परफेक्ट नहीं है, कभी भी 100% नहीं है। बट पीसी एंड थर्मोडायनेमिक्स मेरा चॉइस है, आई हैव जीरो नॉलेज इन दोज बोथ सब्जेक्ट्स, सो आई हैव ओनली 8 सब्जेक्ट्स टू प्रिपेयर। सो वेरी नाइस, देन आई prepared my timetable to how can I manage my all those 8 subjects because I have not a lot of time to complete all those subjects. I have desire to complete all the subjects, but I didn't get the time right. I didn't got the preparation starting time right. I realized very lately to prepare for the exam. So that's okay. So according to that, I have prepared my plans and started my preparation. ग्रेट। तो इनके पॉइंट से मैं सारे बच्चों को बताना चाहूंगा कि देखो गेट के एग्जाम में क्या होता है ना कि सारा सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है कि आप 100% सिलेबस कंप्लीट करके जा रहे हैं। पॉइंट ये रहता है कि कितनी आप इफेक्टिवली प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, कितनी आप इफिशियंटली प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। ओके, तो गेट में इनकेस आप 80% सिलेबस को 100% तैयार करके जा रहे हैं, आपकी बेस्ट रैंक आने के चांसेस रहेंगे, एक अच्छा स्कोर करने के आपके चांसेस रहेंगे। तो कभी भी पूरे सिलेबस पे आप इनकेस कमांड नहीं भी होती है, जितना भी आप पढ़ रहे हैं उतना आप कॉन्क्रीट पढ़ें, उतना आप प्रॉपर तरीके से करें, सारी चीजें करें, जो भी आपने सब्जेक्ट तैयार कर रखे हैं उन पर आपको कॉन्फिडेंस है, उनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस है, ए टू जेड वो चीज कंप्लीट करें। कोई जरूरी नहीं है जैसा कि गंगाधर ने बोला कि मैं सिर्फ 8 सब्जेक्ट पढ़ के ही सर गेट के एग्जाम में गया था और 8 सब्जेक्ट से ही इतनी अच्छी रैंक लेकर आ रहे हैं। तो इससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि 7 से 8 सब्जेक्ट इनकेस आप बहुत अच्छे लेवल पे तैयार करके जाते हैं, जो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तब भी आप गेट के एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं, राइट। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा गंगाधर, जरा बच्चों को एक चीज और बताओ, आपने टेस्ट सीरीज भी दी होगी, है ना, टेस्ट सीरीज आपने दी होगी, तो सीरीज किस तरीके से आपको हेल्प करी, टेस्ट सीरीज का क्या इम्पोर्टेंस रहा आपकी गेट के एग्जाम में, जो भी आपने एग्जाम जो फाइनल दिया था? यार टेस्ट सीरीज का बहुत इम्पोर्टेंस है। आई हैव प्लानड टू प्रिपेयर कंप्लीट माय सिलेबस टू अप टू द नवंबर, then I want to give the test series from the November to the February, January ending or February, but my syllabus didn't got completed right due to my instability and the preparation distractions. Some preparation distractions. So I started the finally I started the test series from the January 1st December 25th that time. Then I almost give 25 to 30 full length tests. Topic wise tests, I have given the topic wise tests also, but when I given that topic wise subjects, I didn't complete the whole syllabus. Okay. Whenever the educator bolega na to do the test series, you will get the what type of level you are. देन आई चेकड, मैं कभी भी बोर किया तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के ट्राई कर दिया। टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे। तो यही है कि देखो टेस्ट सीरीज की, अगेन जैसा कि गंगाधर ने बताया कि टेस्ट सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। टेस्ट सीरीज बच्चे वही अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं जिनका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, जैसा गंगाधर ने बोला कि मैंने सर सिलेबस नवंबर में कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मैं टेस्ट पेपर में इन्वॉल्व हो गया था, टेस्ट पेपर लिखना स्टार्ट कर दिया था नवंबर के बाद। तो सभी लोग ट्राई करेंगे, देखो अभी आपके पास टाइम है, तो गेट के जैसे प्रिपरेशन आप बेटा जल्दी स्टार्ट कर देते हो, जल्दी करना स्टार्ट कर देते हो, आप जुलाई और सितंबर अक्टूबर का वेट नहीं करते हो, तो आपके पास सफिशियंट टाइम रहता है टेस्ट सीरीज के लिए। अदरवाइज समटाइम्स होता क्या है कि वो स्टूडेंट लास्ट में जून जुलाई में जाके स्टार्ट करते हैं गेट का रिजल्ट। अब देखिए गेट का रिजल्ट ठीक है आ गया है, तो आप देख रहे होंगे कि इतना टाइम लगभग 2 महीने हो गए, 2 महीने से बच्चों ने कोई भी पढ़ाई नहीं करी है। अब इन्हीं टाइम्स को बेटा आपको यूटिलाइज करना है। ओके, इन छोटे छोटे जो सैंपल्स हैं इनको आपने फिलफिल कर लिया, तो यही सैंपल्स आप एक बार बहुत ही जब रिजल्ट एक्युमुलेट होता है ना, तो फिर बहुत अच्छा इंपैक्ट आपका पड़ता है। तो छोटी छोटी चीजों को केयर करते रहो, डिसिप्लिन मेंटेन रखो, रेगुलरिटी मेंटेन रखो, सारी चीजें अच्छी तरीके से करेंगे। तो गंगाधर जैसा कि बताया कि एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप लोग भी बिल्कुल परफॉर्म कर पाओगे,
ओके तो सभी लोगों से यही कहना है कि यार आप लोग प्रिपरेशन करेंगे तो जैसे कि गंगाधर आज हमारे सामने प्रेजेंट हैं तो कल आप लोगों को भी मौका मिलेगा, आप लोग भी 25 में गेट में बहुत अच्छा करके अगला सेशन आपके साथ भी हो सकता है। पॉइंट ये है कि बेटा आपको मेहनत करनी है। अब गंगाधर ने ऐसा नहीं किया होगा कि सब्सक्रिप्शन ले लिया है उसके बाद ठीक है मौज मस्ती चल रही है, दो दो महीने क्लास नहीं कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने नहीं किया होगा। इन्होंने प्रॉपर तरीके से क्लास करी होंगी। गंगाधर आप एक दिन में कितनी क्लासेस करते थे? 3 to 4 क्लासेस एंड देन आफ्टर द यस क्लासेस ओके रिवीजन। वेरी नाइस। ठीक है 3 to 4 क्लासेस यानी कि 5 से 6 घंटे डेली ये क्लासेस करते थे। ओके कुछ क्लासेस लाइव करते थे, कुछ क्लासेस बेटा रिकॉर्डेड करते थे। हम लोगों के पास दोनों ऑप्शन प्रेजेंट रहते हैं, आप लाइव क्लास भी कर सकते हैं, आप रिकॉर्डेड क्लास भी कर सकते हैं। ठीक है आपकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कि आप किस स्टेट में, आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ बच्चे रिकॉर्डेड कर लेते हैं, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं उस समय भी आप एक आध सब्जेक्ट रिकॉर्डेड कर सकते हैं, और दूसरा जो बच्चे रिपीटर होते हैं वो लोग जैसा कि गंगाधर रिपीटर थे, ओके इन्होंने ड्रॉप लिया था तो इन्होंने 3 से 4 क्लासेस कर लिए। आपके पास टाइम 2 क्लासेस का भी है, तब भी आप 2 क्लास डेली बेसिस पे कर रहे हो, तब भी आप लोग बहुत अच्छा रैंक लेकर आ सकते हो, बहुत अच्छा गेट में कर सकते हो। ओके गंगाधर तो सेशन को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है छोटा सा ही सेशन रखेंगे। कुछ ऐसे दो ओके तीन आपके सजेशन जो आपके जूनियर्स हैं उनको आप देना चाहो फॉर गेट 2025। मेरा सजेशन यही है, हार्डवर्क इज द की। एंड कभी भी ये सब्जेक्ट चूज किया तो 100% परफेक्ट होने का ट्राई करो और डू योर बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट, रिजल्ट्स विल बी इन योर फेवर। व्हेन यू डन द हार्डवर्क यू विल गेट द रिजल्ट व्हाट यू डिजर्व फॉर योर हार्ड वर्क, यही मेरे बोलूंगा। यस डेफिनेटली। इन केस बेटा आप ठीक है टैलेंटेड नहीं भी हैं, आप हार्ड वर्किंग पर्सन है ना, तो लाइफ में टैलेंट को बीट किया जा सकता है। ओके विद हार्ड वर्क, एक चीज ध्यान रखना, हार्ड वर्किंग पर्सन ऑलवेज आगे निकल जाता है, टैलेंट को बीट कर सकता है। टैलेंटेड पर्सन है, लेजी है, वो किसी काम का नहीं है। ओके आपको एक चीज नहीं आ रही है, आप उस चीज को 10 बार करो, बिल्कुल आएगी। और गेट में कोई भी बेटा रॉकेट साइंस जैसी चीजें नहीं आती हैं। ओके एक पैटर्न को फॉलो किया जाता है, आप प्रीवियस ईयर पर अच्छी कमांड कर लेते हैं तो गेट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके यहाँ पे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं पूछ लिया जाता जैसा कि IIT JEE में पूछ लिया जाता है, कि बिल्कुल ही अलग टाइप का वहां पे माइंड चाहिए होता है। यहाँ पे एक सेटअप पैटर्न होता है, उस पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हो, उस पैटर्न पर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आप भी गेट में बहुत अच्छा कर सकते हो। ओके जैसा कि सभी लोगों को बताया कि हम लोगों के बेटा नए बैचेस भी आ रहे हैं 23 ऑफ द मार्च से, तो 23rd ऑफ द मार्च से नया बैचेस आ रहा है, तो जिन बच्चों को भी इनरोल करना है वो लोग इनरोल कर सकते हैं। वहां पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, तो हीट ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ कंटिन्यू करो, रेगुलर रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, ठीक है हार्ड वर्क करते रहो, डेफिनेटली बेटा गेट 2025 में आप भी हमारे साथ सेशन ले रहे होंगे। फाइन तो ये सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, और जिन बच्चों को भी कोर्स ज्वाइन करना है, अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है, 23rd ऑफ द मार्च से जैसा कि मैंने बताया कि नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अभी करंट टाइम पे बेटा ऑफर भी अवेलेबल है, 50% तक का ऑफर अवेलेबल है, जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके एक बार रीच आउट कर लेंगे एजुकेटर से, अपने डिस्कस कर लेंगे, कोई भी क्वेरी होगी आप बात करेंगे, सारी चीजें आपकी रिजॉल्व कर दी जाएंगी। ठीक है बेटा फिर मैं सेशन को एंड करता हूँ, थैंक यू सो मच और ऑल दी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यूज डियर गंगाधर, थैंक यू और सर। टच में आप रहिएगा, और आपकी गाइडेंस हमेशा हमारे बच्चों को नीड पड़ेगी, और हमेशा टच में रहेंगे। ठीक है जहां पे भी आप IUCL में जाते हैं, OAGC में जाते हैं, या M.Tech करने जाते हैं, जहां पे भी आपका सिलेक्शन होता है उसके लिए गुड लक, ऑल दी बेस्ट। ठीक है हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, और थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।